ब्रेकिंग न्यूज आप तक पहुंचा दे, कोरोना का एक और मामला सामने आया है करनाल से भी। इंदिरा कॉलोनी का एक युवक पॉजिटिव मिला है। इसी के साथ आपको बता दे, मरीज के घर स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंची थी। परिवार के आसपास के लोगों की स्कैनिंग की जा रही है अब एहतियात के तौर पर। करनाल में कोरोना एक्टिव केस अब 9 हो चुके हैं और ऑरेंज जोन में है करनाल, लेकिन अब कोरोना मरीजों की संख्या करनाल में 9 हो चुकी है। इंदिरा कॉलोनी का एक युवक पॉजिटिव मिला है। मरीज के घर स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंची और स्कैनिंग की गई। परिवार के आसपास के लोगों की भी स्कैनिंग की जा रही है, पूछताछ की जा रही है कि क्या संपर्क में कोई इस युवक के आया या फिर नहीं। कोरोना महामारी ने इस वक्त पूरे प्रदेश में कहर बरपाया हुआ है और जिसकी वजह से एक के बाद एक नए केस सामने आ रहे हैं, मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। लॉकडाउन 4 लागू हो चुका है, लेकिन बहुत सी रियायतों के साथ। मरीज के घर स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंची, परिवार वालों से पूछताछ की और इसी के साथ आसपास के लोगों से भी पूछताछ की गई है। इंदिरा कॉलोनी का एक युवक कोरोना पॉजिटिव मिला है। करनाल से कवरजीत, ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता फोनलाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कवरजीत, अब कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या करनाल में 9 हो चुकी है, अभी स्थिति जो है वो बिगड़ती हुई दिख रही है, जिला प्रशासन किस प्रकार सतर्क है? बात करें तो करनाल में आज एक मामला आया है जो इंदिरा कॉलोनी सदर बाजार का मामला है और व्यक्ति वो पॉजिटिव पाया गया। इसको लेकर जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम और पुलिस बाकी टीम वहां पर पहुंच गई है। उसके घर के आसपास उसको सील कर दिया गया और साथ ही साथ दूसरे जो परिवार के दूसरे लोग हैं उनके सैंपल लिए जा रहे हैं और इसी के साथ अगर बात की जाए तो आस पास के जो घर हैं उनके लोगों के भी सैंपल लिए जा रहे हैं और स्कैनिंग की जा रही है। और बात की जाए तो आज से 2 दिन पहले जो मामले आए थे वो भी करनाल जो का इंद्री विधानसभा क्षेत्र का गाँव चुगामा से आए थे, वहां से बाप और बेटी दोनों ही जो गुड़गावा से वापस आए थे, उन पॉजिटिव आने के बाद कहीं ना कहीं पिछले 3 दिन से लगातार ही करनाल में कोरोना के पॉजिटिव केस सामने आ रहे हैं और कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो 9 एक्टिव केस हैं। और बात की जाए तो जो काफी लोग ऐसे थे जो पिछले दिनों जो केस आए थे वो सारे के सारे कई उनमें से ज्यादातर लोग ठीक हो गए, अपने घरों को भी लौट चुके हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए कमलजीत।